इस डायग्राम की हेल्प से हम ट्रांसक्रिप्शन बबल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए की अनवाइंडिंग होती है, डीएनए के जो बेस पेयर्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटते हैं और ये एक बबल लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और इसी बबल लाइक स्ट्रक्चर को हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान ट्रांसक्रिप्शन बबल बोलेंगे। तो इस बबल में देखिए, तो ये 3' to 5' वाला स्ट्रैंड ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट कर रहा है, और ये 5' to 3' वाले स्ट्रैंड को हमने यहाँ कोडिंग स्ट्रैंड लेबल किया हुआ है। टेम्पलेट स्ट्रैंड पर ये देखिए कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो बेसिस की जो सीक्वेंस हैं वो कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल को फॉलो करते हुए जो नया mRNA बन रहा है उसके बेसिस के सीक्वेंस को डिसाइड कर रही हैं, और ये RNA पॉलीमरेज है जो इस प्रोसेस को कैटलाइज कर रहा है। और एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पे देखने को मिल रही है इस डायग्राम में कि ये ट्रांसक्रिप्शन लेफ्ट टू राइट प्रोसीड हो रहा है, तो जैसे जैसे ये प्रोसीजर ये ये राइट की तरफ प्रोसीड होगा तो डीएनए की अनवाइंडिंग होती रहेगी, लेकिन डीएनए का वो रीजन जहाँ पर ऑलरेडी ट्रांसक्रिप्शन हो चुकेगा उस रीजन की रीवाइंडिंग भी साथ के साथ होती रहेगी। तो ये कॉन्सेप्ट है ट्रांसक्रिप्शन बबल का।